Haryana Chief Minister Nayab Saini on June 8 announced that 50,000 more recruitments will be done for youths in Haryana. He also said that the Haryana government will recruit more youth for Group B as well. Nayab Saini said today, Haryana's youth have faith in the policies of the government. Youth from the poor have been given respect without any slip or any expense and are getting jobs without any discrimination. आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं, इस बात को आगे बढ़ाने में हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है, उन युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सर, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर खत्म कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी भर्ती पे असर पड़ा उसका। ये भर्ती जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आगे खड़ी हो गई है। अब ये भर्ती आगे चलेगी कैसे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से स्टे का इंतजार करेंगे या इस फैसले को भी लागू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सरकार का क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है इसके अंदर और भर्तियां करेंगे। और जो आपने ये सोशो इनकम की बात कही है और जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी बड़ी तालियां पीटने का काम वो किया है, हमारी जो सोच है कि जो सरकार ने पीछे निर्णय लिया था कि एक गरीब परिवार का बेटा जो जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, गरीब परिवार की विडो, गरीब परिवार का वो बालक जिस तक पीछे 2014 से पहले सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं करती थी, कहीं ना कहीं वो चाहे अपना टेस्ट भी क्लियर कर लेता था, परंतु जो गरीब व्यक्ति था वो तो सरकार की नौकरी तक भी नहीं आता था। ये इस प्रकार का सिस्टम हमारी सरकार ने बनाया कि जिस परिवार के अंदर एक भी नौकरी लंबे समय से नहीं है, उस परिवार को हम 5 अंक देकर के उसको आगे लाने का काम ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर हमारी सरकार ने किया है। और इस फैसले का जो फर्स्ट बैच कोर्ट की थी उसने सराहना भी की है, ऐसा नहीं भी अच्छा काम किया है सरकार ने। सेकंड बैच का उनका मंथन कुछ और हो सकता है, उन्होंने अलग फैसला दिया है, परंतु गरीब की लड़ाई के लिए हमारी सरकार मजबूती से गरीब लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस के समय में जो इस बात का मजाक कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं कि युवाओं का भविष्य अंधकार में किया, किसी का कोई अंधकार में भविष्य नहीं हुआ है। अगर किसी का हुआ है तो कांग्रेस के जो नेता हैं उनका भविष्य अंधकार में हुआ है। मैं ये बात कहना चाहूंगा जो इसके ऊपर वो भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 अंक उस गरीब व्यक्ति को दिए गए हैं जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं था और उसकी लड़ाई
हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से लड़ रहे हैं ताकि उन गरीब लोगों को न्याय मिले, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवा को रोजगार मिले, इस बात को सुनिश्चित करना यह हमारी सरकार का दायित्व है।